हेलो फ्रेंड्स, आज बताने वाला हूँ आप लोग को ऑफिशियल ईमेल आईडी को लेकर बहुत सारा कमेंट आता रहता है। मैं आपको बताऊँगा ऑफिशियल ईमेल आईडी जो ऑनलाइन लोन लेते हैं उसमें किसी किसी में लेता भी है, किसी में नहीं भी लेता है। अगर किसी में लेता है तो सबसे ज़्यादा कैसी का आता है कि कैसी में ऑफिशियल ईमेल आईडी क्या डाले। मैंने 20,000 का लोन लिया हुआ है, देखिए एक ईएमआई डाल भी दिया हुआ है, दो बाकी है, ठीक है। मैंने ऑफिशियल ईमेल आईडी में क्या डाला हूँ वो आपको दिखाता हूँ। पैसा आ गया है, ठीक है, ये ईएमआई डिटेल है, 20,019 कुछ रुपया कट के आया था। तभी ऑफिशियल ईमेल आईडी है तो प्रोफाइल में जाके हम देखते हैं क्या क्या डाला हूँ मैं। माई प्रोफाइल में मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा बैंक डिटेल है जिसमें आया था, उसको छोड़ दीजिए, बैक करिए और इसको दिखाइए एम्प्लॉय डिटेल्स, इसमें दिखाता हूँ जिस कंपनी में काम करता हूँ उसका नाम डाला हूँ, जहाँ से मेरी सैलरी आती है। ऑफिशियल ईमेल आईडी में देख लीजिए मैं क्या डाला हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या डालें। जो कंपनी से सैलरी आता है उसको लेकर आपको बना देना है। अभी मान लीजिए आपका जो भी नाम है, नाम लिख दो, ठीक है, जो भी आपका नाम है, कुछ नंबरों में डालना है तो भी ठीक है, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हो। एट द रेट जो कंपनी से आपकी सैलरी आती है उस कंपनी का नाम डाल दो, ठीक है, उस कंपनी का नाम डाल दो और कंपनी के नाम .com, gmail.com डालोगे तो वेरीफाई के बिना नहीं देगा, सिर्फ नाम डाल के आपका कंपनी का .com कर दो, होगी। अब इसे वेरीफाई नहीं करना है, ओनली फॉर सेव कर देना है, सेव करके एग्जिट हो जाना है, निकल जाना है बाहर, वेरीफाई नहीं करना है, सिर्फ सेव कर देना है। आपका नाम @ जो भी कंपनी सैलरी आती है उस कंपनी के नाम .com डाल देना है, हो गया। और बाकी भी एप्लीकेशन में किसी किसी चीज़ में ऑफिशियल ईमेल आईडी कंपलसरी होता है तो कंपनी देता है, आपको मिला नहीं है तो क्या डालेंगे, तो कंपनी देता है। अच्छी कंपनी जो ग्रेड की होती है वो देती है ऑफिशियल ईमेल आईडी आपका कंपनी के नाम से, तो आपका है नहीं तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अभी मैंने डाल दिया, देखिए ये चला गया। अब इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी तो भेजेगा ही वेरीफाई करने के लिए। अभी देखिए मैंने क्लिक किया तो ओटीपी भेज दिया, अब एक मिनट का टाइम दिया है, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। अब आपके पास ओरिजिनल ईमेल आईडी रहता तो आप ले सकते थे, अभी आपके पास है नहीं तो एक डेमो टाइप का डालना है। मैंने अब वेरीफाई नहीं किया, बैक कर दिया, तो वेरीफाई नहीं करना है, ओनली फॉर डाल के और सेव कर देना है, स्किप कर देना है मतलब, ठीक है।